अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये ईद मिलादुन्नबी का ब्लॉग है और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये ब्लॉग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था इस वजह से और मैं बोल नहीं पा रही थी, तो उस टाइम मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। तो अब वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। और ये हमारे यहाँ की जो मतलब मार्केट है वहाँ का पूरा नज़ारा, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे झंडा लिए हुए तो वो फहरा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, जो स्टार्टिंग में जो झंडा फहरा रहे हैं वो दोनों मेरे भाई हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। और मतलब पहले हमारे यहाँ पे सिटी में नूर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा गांव से दूर, मतलब जो थोड़े यहाँ से हमारे सिटी से दूर गांव है वहाँ के लोग आते हैं यहाँ नूर देखने। और ना तकरीर वगैरह होता है, जलसा वगैरह होता है तो लोग देखने आते हैं। तो यहाँ पे अभी जुलूस आ रहा था उसी टाइम की ये वीडियो है, तो मैंने आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को कम से कम आधा देखें। अगर पूरा नहीं देख सकते हैं तो कम से कम वीडियो आधा देखें। तो यहाँ पे है ना रोड वगैरह खाली हो रही थी क्योंकि अब जुलूस आएगा और भीड़ बढ़ रही थी और पब्लिक ज़्यादा हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे असर का टाइम, असर की नमाज के बाद का टाइम था और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ अभी तकरीर भी शुरू होने वाली है इस वजह से। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं अपने हिंदुस्तान मतलब भारत देश का झंडा, ये जो तिरंगा झंडा है ना, ये मेरे भाई के छोटे भाई के सर में लग गया था। और इस झंडे में पाइप लगा हुआ है स्टील का, तो मतलब ये दूर की थोड़ी वीडियो है इसलिए वजह से वो छोटा झंडा दिख रहा, मगर ये झंडा बहुत बड़ा था, उसके सर में लग गया था बहुत। तो उस टाइम की वीडियो। और यहाँ पे पटाखे वगैरह सब कुछ फूट रहे थे। और आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया गया आप लोग ज़रूर मुझे बताना। और वीडियो लेट हो गई उसके लिए सॉरी। तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो। घर आ जाता है ना उस टाइम बताता है कि जो लड़का गिरा था वो मैं हूँ, तो अच्छा हुआ वो ठीक था, उसको ज़्यादा चोट वगैरह कुछ भी नहीं आया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे गाड़ी में झंडे वगैरह लगा के, तो यहाँ जुलूस आ गया था और डीजे बज रहे थे तो उसको बंद करा रहे थे क्योंकि यहाँ पे मौलाना साहब सब कोई थे यहाँ पे और तकरीर हो रही थी इस वजह से। तो हमारे यहाँ ऐसे ही मनाते हैं। और बहुत मतलब लंगर भी बट रहे थे, तबरुक वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था और सब डीजे वगैरह यहाँ साइड में लगवा रहे थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी इस वजह से। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना।
तो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। तमाम तर इंसान सरिंदों परिंद पुरुषो पुयूर ये खुशको तर ये बहरों पर ये मर्गो समय ये कायनात के सर्रे सर्रे को उस तमरजा कादरी ही मसल्लमा की आमद आमद की मुबारकबाद पेश करता है। हजरात ये वो नबी ये रहमत है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला पुरादे गरीबों की बल आने वाला हजरात ये वो नबी ये रहमत है जिसने जिसके जिसके सामने बेजान कंकरियां कलमा पढ़ती नजर आती है। अल्लाह का वो प्यारा पैगंबर है जिसकी बारगाह हमें पैर सजदा करने के लिए हाजिर होते हैं। ये वो तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ पे मतलब तकरीर वगैरह हो रही थी, मैंने इसीलिए वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया। और यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बम वगैरह फूट रहे थे और शोर हो रहा था, इसलिए मैं साइड में खड़ी थी क्योंकि उस टाइम मेरे से चलते नहीं बन रहा था इस वजह से। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जिस दिन ईद मिलादुन्नबी थी ना उस दिन मैं थोड़ा बहुत चल पा रही थी, इसलिए मैं मतलब मम्मी लोग मुझे यहाँ लेके आए थे, मतलब ज़्यादा नहीं बन पा रहा था मुझे चलते, थोड़ा बहुत ही बन पा रहा था इस वजह से। और ये हमारे यहाँ का जो सतना के होंगे पता होगा कि ये कहाँ का चौराहा है। तो यहीं पे जुलूस आ गया था और करीबन यहाँ अब 5:30 या 6 ऐसे कुछ बज रहे थे, ये उसी टाइम उसी समय का वीडियो है। तो यहाँ पे जुलूस पूरा होने के बाद मैं मम्मी और भाभी मतलब हम लोग फिर घर चले गए थे क्योंकि हम लोगों को मार्केट में कुछ सामान वगैरह भी लेना था इस वजह से। तो और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अब मेरे मैं कोशिश करूँगी मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आए क्योंकि मैं अब बोल पा रही हूँ इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें और मेरे वीडियो में नए आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।